press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदा मैं चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि त्रिवी के अनबॉक्स की वायरिंग कैसे करें। यहाँ पर मेरे पास बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप तीन बटन भी लगा सकते हैं और एक सॉकेट दो बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एक सॉकेट और एक बटन और एक इंडिकेटर। ये देखिए, यहाँ पर सॉकेट जो लगाना है वहाँ पर निशान होता है, उसको कटिंग ब्लेड से कट कर लें, एकदम आराम से कट करें, नहीं तो बोर्ड टूट जाएगा, ठीक है। उसको कट करने के बाद वहाँ पर एक सॉकेट बैठेगी, फिर उसके बाजू में एक बटन बैठेगा, फिर एक इंडिकेटर, ठीक है। ये देखिए, मैंने अभी सॉकेट लगा रहा हूँ, उसके स्क्रू टाइट करूँगा, ज़्यादा वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कट करके दिखाऊँगा, ठीक है। स्क्रू लगा कर तो कोई भी टाइट कर सकता है, छोटा बच्चा भी टाइट करेगा, ठीक है। फिर भी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, किसको नहीं मालूम है वो टाइट कर ले सकते हैं। ये देखिए, स्क्रू लगा कर अच्छे से उसको टाइट कर लें, फिर उसके बाद में एक बटन बैठेगा, बटन या उल्टा या सीधा सब देख कर आप बिठा लेना चाहिए। आप सबको सब वीडियो में मैंने बताया है, फिर भी एक बार देख लें। ये देखिए, स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लें, दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लें, फिर उसके बाजू में बटन बैठेगा। बटन के ऊपर एक निशान होता है, आई बोल कर निशान होता है, वो नीचे रख दें उसको, मतलब ऑन ऑफ का, ठीक है। सीधा उल्टा देख कर उसको बिठा दें, फिर बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टा बैठेगा तो फिर बंद होगा, चालू होगा तो फिर बंद हो जाएगा। ये देखिए, स्क्रू लगाकर उसको भी अच्छे से टाइट कर लें, दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लें, फिर उसके बाद में इंडिकेटर बिठाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करना है। ये देखिए, इंडिकेटर बैठ रहा है हमारा, उसके बाद बताऊंगा, ध्यान से देखिए वायरिंग कैसे करना है, फिर बाद में आपको फिर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। ध्यान से देखते रहें, लास्ट तक देखते रहें वीडियो, ठीक है। भगा भगा कर ना देखें, फिर आपके समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा बोर्ड कंप्लीट। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसकी वायरिंग, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, स्क्रू जो है ना, यहाँ से स्क्रू तक इसके माप ले लें, इंडिकेटर है वहाँ पर, इंडिकेटर तक इसका माप ले लें, इसको छिल लें। छिलने के बाद जो अंदर की जो तार होती है ना, तार को अच्छे से कट करके मोड़ लें, उसको थोड़ी सी तार ले लें उसके अंदर से, ज़्यादा हैवी ना रहें, बस थोड़ी सी तार लेकर उसको अच्छे से मोड़ लें, फिर हाथ में चुभ जाएगा, एकदम आराम से करें। उसके बाद कटिंग प्लेयर से उसको कट कर लें। कट करने के बाद ये कहाँ पर लगाना है तार, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो, बटन के जो स्क्रू है ना, इंडिकेटर और बटन के, वहाँ पर स्क्रू में इसको डाल दें। ये देखिए, डालने के बाद जो बटन का जो स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट कर लें, ठीक है। लूज़ रहेगा तो फिर करंट पास नहीं होगा। ये देखिए, उसमें जो तार एक्स्ट्रा है उसको मोड़ लें वहीं पर बटन के अंदर। देखिए, अभी मैं लूँगा ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा। ये देखिए, ब्लैक कलर का वायर का टुकड़ा है, यहाँ से इंडिकेटर से सॉकेट तक माप ले लें उसको। ये देखिए, सॉकेट में लगा दें उसको, एन बोल कर लिखा होता है वहाँ पर, नोटल का उसको लगा दें कनेक्शन ब्लैक कलर का। ये देखिए, उसको लगा कर टाइट कर लें अच्छे से, फिर लूज कनेक्शन रहेगा तो फिर सही से लाइट चालू नहीं होगी, फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से टाइट कर लें। ये देखिए, इंडिकेटर जो है ना, इंडिकेटर के अंदर इसको लगा दें, स्क्रू अभी टाइट ना करें, उसके अंदर और एक वायर आने वाला है, ठीक है। ऐसे इसको छोड़ दें, फिर और एक वायर जो आता है उसके अंदर लगा कर टाइट कर दें, ठीक है। और एक वायर का टुकड़ा ले लें रेड कलर का, ये देखिए, उसको अच्छे से लपेट लें। लपेटने के बाद सॉकेट जो आती है ना, लाइन बोलकर, एल बोलकर वहाँ पर लिखे होता है, उसके अंदर इसको लगा देंगे। देखिए, सॉकेट का और एक स्क्रू है ना वहाँ पर, इसको लगा कर अच्छे से टाइट कर दें, ठीक है। लूज़ ना रहें, अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए। फिर इसका जो है ना ऊपर का बटन का जो स्क्रू, उसके बाजू में जो बटन है उसके स्क्रू, ऊपर का जो स्क्रू है वहाँ पर इसको लगा कर उसको भी वैसे ही अच्छे से टाइट कर लें उसको, ठीक है। ये देखिए, हमारा हो गया कनेक्शन पूरा। फिर अभी जो दो वायर हैं कहाँ पर लगते हैं, मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये पहले बोर्ड ले लें, बोर्ड को सुराख डाल लें, ठीक है। होल डालने के बाद ये जो दो वायर हैं इसके अंदर होल में डाल लें, ठीक है। होल में डालने के बाद उसके बाद उसको अच्छे से घीटी मार दें, नहीं तो फिर ऐसे ही रखेंगे तो फिर कोई खींचेगा तो टूट जाएगा। घीटी मार के उसको टाइट कर दें वहाँ पर ही। ये देखिए, आप खींचेंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, फिर आप ऐसे ही लगाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, दोनों वायर है ना, इंडिकेटर में लगा दें, एक ऊपर के स्क्रू में लगा दें, लगा कर उसको अच्छे से टाइट कर लें, फिर और एक जो वायर है उसके नीचे के स्क्रू में लगा दें। ये देखिए, पहले ऊपर के स्क्रू को अच्छा सा टाइट कर लें, फिर जो नीचे का स्क्रू है उसके अंदर लगा कर आप टाइट कर दें, ठीक है। ये होगा हमारा कनेक्शन पूरा। फिर भी मैं आपको खुले खुले वायर करके दिखाऊंगा, देख लें अच्छे से एक बार और एक बार, ठीक है। ये देखिए, मैंने लगा दिया है। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर का जो वायर है वो नोटल है, ठीक है।
ये देखिए, ये जो है फेस है बटन में आया है, ठीक है। ये जो दोनों वायर हैं इंडिकेटर के हैं, इंडिकेटर से वहीं पर कनेक्शन गया हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अभी मैं बोर्ड को फिट कर देता हूँ, फिर इसको कनेक्शन चालू करके देखते हैं चालू होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं इसके स्क्रू लगाऊंगा, स्क्रू लगाने के बाद इसको चेक करते हैं बल्ब लगा के ऑन हुआ या नहीं हुआ। अगर ऑन नहीं हुआ तो भी वहाँ पर लाइट नहीं आएगी, अगर ऑन हुआ तो वहाँ पर लाइट आएगी, आपको पता चल जाएगा। इंडिकेटर लगाना ज़रूरी है, मतलब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट है या नहीं है, ठीक है। एमरजेंसी के लिए अच्छा है वो, आप फ्रिज भी लगा सकते हैं उसके ऊपर, आप कूलर भी लगा सकते हैं और पानी का मोटर भी लगा सकते हैं, कुछ भी इमरजेंसी यूज़ करने के लिए आपको काम में आएगा, ठीक है। अभी ये जो टू पिन प्लग है इसको लगाने के लिए तो छोड़ो, ये बच्चा भी लगा लेगा, फिर मैं आप लोगों को चुप ऐसे ही दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने लगा दिया बोर्ड, इंडिकेटर लाइट चालू हो गई है, ये देखिए। अभी मैं आप लोगों को बल्ब लगा के चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए अभी बल्ब लगाऊंगा इसके अंदर, लगा कर ऑन होगा नहीं होगा दिखाऊंगा। तो इंडिकेटर में तो लाइट आ रही है, ठीक है। ये देखिए अभी बटन चालू करके देखते हैं, ये देखिए चालू हो गया बोर्ड अपना, ठीक है। आप कुछ भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।